अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संगत कैसी हो, किसके साथ हो। तो देखिए, हमारी संगत उन लोगों के साथ हो जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करते हों। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जिनमें तकवा पाया जाता हो। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो इल्म वाले हों। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो हमें सीधी राह दिखाएं। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जिनके पास कुछ तो गोल हो। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो कि जो हमें हमारे मिस्टेक्स तो निकाले, इम्प्रूव करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो कि जो रिस्क लेते हों और गिरते हो और गिर के भी समझ जाते हो। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ हो जो फ्लेक्सिबल हो। यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि पानी है ना, पानी जब पानी का बहाव होता है वो पानी अपनी जगह को छोड़ता है और आगे अपने मंजिल मकसूद तक जाने की कोशिश करता है। वो जो ऐसा नदी का बहाव होता है ना, वो सिमत में चला जाता है। बहुत सारी चट्टाने भी अगर उसके सामने आ जाती है ना तो अपना रास्ता बदल लेता है, मगर वो अपना डेस्टिनेशन चेंज नहीं करता है। तो आगे जाके वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेक फॉर्म होता है, साइलेंट होता है, स्टिल होता है, कुछ मोमेंट दिखाई नहीं देता है, मगर फिर एक वक्त आ जाता है कि वो अपनी स्पीड से फिर चला जाता है और उसको मालूम रहता है कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। मेरा डेस्टिनेशन दरिया है और वो दरिया में जाके मिलने की कोशिश करता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में भी अगर रुकावटें आ गई, अगर हम उस रुकावटों को फेस कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर वो रुकावट बहुत ज्यादा शदीद ताकतवर है तो उसको फेस करने के बजाय हम अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। हमारे मंजिल मकसूद को नहीं भूलना चाहिए और हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी संगत ऐसे लोगों के पास साथ हो जिनमें पैशन हो, जिनमें जोश हो, जो डिटरमाइंड हो कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए जिससे समाज का फायदा हो, जिससे लोगों का फायदा हो। कुछ तो वो चाहते हो कि जिंदगी में ऐसा कुछ करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने हर एक को यूनिक बनाया है और हर एक जो आदमी कुछ करता है वो यूनिक ही होता है। इसलिए हम क्या यूनिक कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये और हमको ऐसे लोगों की संगत होनी चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमको उन लोगों के रास्ते को देखना चाहिए जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अगर हम उन रास्ते को देख के फॉलो करने की कोशिश करें तो हमको उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए जो लोग कंटेंटेड हो, जो लोग इत्मीनान हो, जो लोग कम्फर्ट जोन की जिंदगी बसर करते हो, जो लोग ये सोचते हो कि अभी हम जिस हालत में है वो मुतमइन है, अल्लाह ताला ने दिया है बस उतना ही काफी है। नहीं, मगर हमें मुतमइन भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम एम्बिशियस भी होना चाहिए कि हमें और कुछ करना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास पैसा आ जाए ना बहुत सारा तो हम लोगों को दान भी कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हैं, ये नियत होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला उसमें ब्लेसिंग दे देता है। हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए कि जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हो, क्योंकि और रिस्क लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ऐसे लोग हमें हमारी संगत होनी चाहिए। हमारी संगत डरपोक लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, कमजोर लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो दिमागी भी कमजोर है और जो फिजिकली भी कमजोर है, जिनके इरादे भी कमजोर है। ऐसे लोगों की संगत हमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए हमारे साथ में जो हमें अप्रिशिएट करें या ना करें, मगर जो हमें मोटिवेट करते हों, ठीक है तो आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते रहे। मगर ऐसे लोगों की संगत नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ दुनिया की बातों में लगे रहते हैं। सिर्फ जब भी तुम उनके पास मिलो, उनके साथ बैठो, तो वो सिर्फ दुनिया की बातें, लोगों की बातें यही करना शुरू कर देते हैं और अपनी बातें कभी नहीं करते हैं। हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको कैसे इम्प्रूव होना चाहिए, इस बारे में बात कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत हमें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि
ये कहा जाता है ना कि जब देखो एक पानी और मिट्टी जब मिल जाती है ना तो सब्जे और मेवे तैयार हो जाते हैं, जब लोहा और पत्थर मिल जाता है ना तब चिंगारी निकलती है, और ये भी कहा जाता है कि जब स्पर्म और ओवम मिल जाता है ना तो एक बच्चा पैदा हो जाता है। यानी दोनों के अच्छे, दोनों के मिलने से, दो अच्छाइयों के मिलने से कुछ न कुछ तो ऐसा ऐजाद हो जाता है जो नया होता है, बिल्कुल नया होता है। जब हमको खुशी हो जाती है ना, जब हम सरसब्ज ना बागात में रहते हैं ना, तो हमें खुशी और सुरूर हो जाता है। तो जब भी हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जिससे कुछ तो पॉजिटिव चीजें हमको मिल सकती हैं, तो हमें वो लेना चाहिए, हमें वो सीखना चाहिए उनसे, और हमें हमारी जिंदगी में वो अप्लाई करके रहना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला की याद को कभी नहीं भुलाना चाहिए, उससे गफलत नहीं करना चाहिए। जब हमारा क्रिएटर, जब हमारा खालिक हमारे साथ होगा, जब कुछ हम कर रहे हैं, हम उसकी याद को साथ में लेके चलते हैं, तो अल्लाह ताला के ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला की रहमतें हम पर इनायत हो जाती हैं। और फिर दावा नाने अल्हम्दुलिल्लाह।